हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश राजा और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक मूवी स्क्रिप्ट में कितने सीन्स होते हैं। देखिए, बहुत सारे राइटर्स को ये डाउट रहता है कि फिल्म के स्क्रिप्ट में कितने नंबर ऑफ सीन्स होते हैं, तो मैं आज इसका जवाब देने वाला हूँ। हालांकि मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन स्टिल ये क्वेश्चंस जो है वो मेरे सब्सक्राइबर्स बार बार कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए अभी एक वीडियो बना करके बता दिया जाए। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड वीडियोज हमेशा आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि स्क्रिप्ट की जो ड्यूरेशन होती है, स्क्रिप्ट की जो लंबाई होती है, वो नंबर ऑफ सीन्स पर डिपेंडेंट नहीं होती है। यानी 2 घंटे की फीचर फिल्म है, 2.5 घंटे की फीचर फिल्म है, या 30 मिनट की कोई शॉर्ट फिल्म है, उसमें कितने नंबर ऑफ सीन्स होंगे ये कहना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक एवरेज भी बताऊंगा कि कितने लगभग लगभग होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप यहाँ पर इस बात को ये अच्छे से समझ लीजिए कि नंबर ऑफ सीन्स जो है ये डिटरमाइन नहीं करता है कि स्क्रिप्ट कितनी लंबी होगी। यानी आपके स्क्रिप्ट की जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड नहीं होगी जो नंबर ऑफ सीन्स है उस पर। क्यों? इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने छोटे 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 सीन्स लिखे हैं तो क्या होगा कि नंबर ऑफ सीन्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपने लंबे लंबे सीन्स लिखे हैं तो नंबर ऑफ सीन्स जो है वो कम रहेंगे। तो अब ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड किस चीज़ पर करती है? तो ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड करती है थंब रूल पर। थंब रूल का मतलब होता है कि अगर आप अपने स्क्रिप्ट में 1 पेज लिखते हैं तो वो फिल्म के वीडियो का 1 मिनट कवर करता है। तो इस हिसाब से अगर आप 2 घंटे की फीचर फिल्म बना रहे हैं तो आपको लगभग 120 पेजेस लिखने होंगे। तो ये आप इस तरह से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सीन्स आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जैसे सपोज आपको बोल दिया जाए कि मूवी में 60 सीन्स होते हैं, 60 सीन होते हैं, तो आप ऐसा नहीं कि आप 60 सीन लिख देंगे और बस हो गई, आपकी स्क्रिप्ट जो है वो 2 घंटे की बन गई, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने लंबे लंबे सीन्स लिखे हैं तो नंबर ऑफ सीन्स जो है वो कम होने चाहिए। अगर आपने छोटे 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 सीन्स लिखे हैं तो नंबर ऑफ सीन्स जो है वो ज़्यादा होने चाहिए। तो इस बात से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि स्क्रिप्ट की जो ड्यूरेशन होती है वो नंबर ऑफ सीन्स पर डिपेंड नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक एवरेज स्क्रिप्ट में नंबर ऑफ सीन्स कितने होते हैं, लगभग लगभग आपको क्या आएगा। क्योंकि देखिए, ठीक है, मैं मानता हूँ कि लंबे सीन्स है, छोटे सीन्स है, लेकिन लगभग में कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए। तो उस रिजल्ट को भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने कोर्स के बारे में ज़रा बता दूँ। आप हमारे यहाँ से स्क्रिप्ट राइटिंग के ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। और इस तरह की सभी बारीकियों को आप सीख सकते हैं। उसमें आपको स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड सभी चीज़ों को सिखाया जाएगा, बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा। हमारे जो स्क्रिप्ट राइटिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको ये सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मालूम है। तो आप अगर सीखना चाहते हैं, ऐसी छोटी छोटी बारीकियाँ, स्क्रिप्ट राइटिंग को पूरे विस्तार से सीखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमारे इस कोर्स को। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से सर्टिफिकेट भी दी जाएगी। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या फी वगैरह पता करने के लिए या कोर्स के लिए अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप ऑफर्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम ऑफर्स भी चलती रहती है, तो आप हमें इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट कीजिए और अधिक जानकारी लीजिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए, फी वगैरह पता कीजिए या ऑफर के बारे में पता कीजिए। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक एवरेज स्क्रिप्ट में नंबर ऑफ सीन्स कितने होते हैं। देखिए, अगर आप नंबर ऑफ सीन्स की बात करें तो लगभग लगभग एक स्क्रिप्ट में 60 to 80 सीन्स होते हैं। ज़्यादातर आप स्क्रिप्ट में देखेंगे कि जो नंबर ऑफ सीन्स है वो 60 से लेकर के 80 के बीच में है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होते ही होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर स्क्रिप्ट में 60 to 80 के बीच में नंबर ऑफ सीन्स होते हैं। चाहे तो 60 से कम भी हो सकते हैं, 80 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ज़्यादातर आप देखेंगे कि 60 to 80 सीन्स के बीच में ही एक स्क्रिप्ट होती है। तो उसकी लेकिन ड्यूरेशन जो है वो थंब रूल के जरिए कैलकुलेट होती है कि 120 पेजेस के आसपास में लिखनी होती है। वो लिख लिया आपने और नंबर ऑफ सीन्स जो भी है आपके स्टोरी के अनुसार वो आ गई, तो बस खत्म। आपके स्क्रिप्ट का टाइम ड्यूरेशन जो है वो थंब रूल के अनुसार कैलकुलेट हो गया और नंबर ऑफ सीन्स जो है वो 60 to 80 के बीच है, तो ठीक है। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आई होप कि जितने भी राइटर्स हैं उनको ये वीडियो काम की लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपके मन में भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक पर वीडियो बना देने की। तो फिर मिलता हूं मैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।